काबिलेसाज मोहतरम मेहमानाने गिरामी मोहतरम आबद हुसैन साहब प्रिंसिपल रीफ फाउंडेशन स्कूल अली बेग मोहतरम रीजनल मैनेजर रीफ फाउंडेशन रीजन वीरपुर जफर नजीर साहेब मोहतरम मुजम्मल हुसैन साहेब डिप्टी मैनेजर एजुकेशन रीफ फाउंडेशन रीजन वीरपुर मोहतरम तलत रशीद साहेब और दीगर तमाम मेहमानाने ग्रामी प्यारे बच्चों इस स्कूल के इसातिज़ा और आखिर में मोहतरम मुदस्सर साहब सभी को दिल की कथा गहराइयों से इस पंडाल में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम मेहमानाने ग्रामी आपके सामने यहाँ जब भी आप इंटर हुए रीड फाउंडेशन का बोर्ड आपको नजर आया है। रीड फाउंडेशन के बारे में इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब कायम हुई, किस तरह से इसने काम शुरू किया, किस आलात किन आलात से काम शुरू किया और आज इस वक्त रीड फाउंडेशन के स्टेट्स क्या है, कितने स्कूल्स हैं और उन स्कूलों में किस तरह से काम हो रहा है। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के दरमियानी से मैं मोहतरम जफर नजीर साहब इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हम आज की इस मुशिश का बाकायदा आगाज करते हैं तो मैं स्कूल की टीचर मोहतरमा आंसर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आज के प्रोग्राम का आगाज करें। मोहतरमा आंसर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز مہمانان گرامی السلام علیکم ہم ریڈ فاؤنڈیشن جاتنا کیمپس کی طرف سے تمام مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद मरहबा मरहबा। यहाँ आए स्टेज पे तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से बकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। Oh!
जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो एनुअल एग्जामिनेशन 2023 हुए हैं उसके सिलसिले में तकरीब मुनक्कद की गई है। कुछ तब्दीलियां यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, उसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा शुरू में आ गया हूँ। आना तो एंड पे था, लेकिन चलिए थोड़ा सा तारफ मैं जरूर करवा रहा हूँ। रीड फाउंडेशन का तारफ तो सारों को पता है, जानी पहचानी आज़ाद कश्मीर बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा एक अदारा बना चुकी है, एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मजीद जो तफसीली तारफ आपको जो इनके रीजनल मैनेजर हैं जफर नसीर साहब वो करवाएंगे। तो इंस्पायर के नाम से एक अदारा हमने चलाया था माशाल्लाह, पूरा साल हमने अच्छे तरीके से उसको बैकअप किया। आज बच्चे यहाँ पर रिप्रजेंट हो रहे हैं, ये जो पूरे साल की मेहनत है हमारी, कोशिश की थी कि हम जितना भी इनके अंदर इनपुट डाल सके अपनी कोशिशों पर, तो कह रहे हैं मजीद इसको बेहतर करने के लिए हमने रीड फाउंडेशन जो कि एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सिस्टम ही इनका मॉडल पर जो रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन बेसिकली रीड का जो लोगो है इसका जो मतलब मकसद है ये है कि जो तालीम देना और डेवलपमेंट करना माशा माशा स्कूल्स और कॉलेज से बहुत बड़ा नेटवर्क है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे आगे जाके इनके एजुकेशन से हम मजीद इनको बेहतर बनाएंगे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں جناب صدر محفل و عزیز استاذ اکرام جناب سید میں ہوں کشمیر اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں اسے سستی ہوئی ماں کی پکار کہوں یا بے بس بھائی کی للکار کہوں یا پھر بے بس بیٹے کی اداکاری کہ جس کے سامنے بھارتی دریندے اس کی ماں کو نوچ لیتے ہیں جناب سید بس یوں سمجھ لیجئے کہ میری آج کی بات اس آہ کے نام جو اٹھی اور کہہ کہوں میں دفن میری آج کی کاوش ان سستیوں کے نام جو شہر کی گلیوں میں گونجتی ہیں میری آج کی جسارت ان مظلوم بچوں کی لاشوں کے نام میری آج کی گفتگو اس بابری مسجد کے نام کہ جس کی اذانیں خاموش ہوئیں میرا آج کا جوش و ولولا ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر گوشے چاک ہوئے میرا آج کا غصہ ان حکمران
हिजाबी का शाहकार। मैं कश्मीर जिसे याराने जहां जन्नत कहते हैं, मैं कश्मीर जिसमें जन्नत नजीर वादियां हुआ करती है, मैं कश्मीर जिसका पाकिस्तान के साथ ईमानी और हादी नाता है, मैं वो कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरा कहा जाता है। लेकिन सदर अली बकार आज मेरे महकते फूलों में बारूद का धुआं है, आज मेरे दरियाओं में लश चहते हैं, आज मेरे जनू से मौत के गीत सुनाई देते हैं, गोया के आज मैं पूरी तरह से जल रहा हूँ। आज का जो दिन है ये बच्चों की ज़िंदगी में बहुत आम होता है और वालदैन को भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है और मुख्तलिफ तरह के जज्बात लेके तो वालदैन यहाँ से जा रहे होते हैं। बाज़ तो बड़े खुश जा रहे होते हैं और बाज़ बच्चों को जोड़ते हुए लेके जा रहे होते हैं, ये कह दिया तुमने अफलान का बच्चा ज़्यादा नंबर ले गया, अफलान ज़्यादा ले गया, आया हुआ आया हुआ। मेरी पैटर्न में बड़े फ्रेंड स्कूल पढ़ रहे हैं, सुने नंबर लेते हैं, बढ़िया बच्चे क्या की थे, इस तरह के जज्बात भी मिलते हैं। और साथ ये वाले भी कि माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, अभी आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे थे। मेरा तल्लुक जो है वो रीड फाउंडेशन से है, मैं 97 से रीड फाउंडेशन के साथ अटैच हूँ। ये वाला जो अदारा है इसका क्याम 1994 के अंदर अमल में लाया गया था, एक स्कूल के साथ एक कमरा था और एक टीचर था और 20 बच्चों से हमने इस सिस्टम का आगाज़ किया था 94 के अंदर। तो FSC के बाद मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रीड फाउंडेशन के आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 400 स्कूल हैं और उन 400 स्कूलों में 1,18,000 बच्चा पढ़ रहा है और तकरीबन 6,000 के करीब असातिज़ा हैं। और जो दूसरी बड़ी आम बात रीड फाउंडेशन के हवाले से है कि रीड फाउंडेशन ने जब ये तय किया कि हम अपना सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम आज़ाद कश्मीर रियासत के अंदर कोई ऐसा बच्चा, यतीम बच्चा जिसके वालिद का साया सर पे ना हो, उसकी मुकम्मल तालीमी कफालत का जिम्मा रीड फाउंडेशन ले ली। और ये बड़ा मुश्किल काम था, एक दो बच्चों को पालना, उनकी खिदमत करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 यतीम बच्चे रीड फाउंडेशन के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और
ये साथ आपके यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे अफजलपुर स्कूल है, साथ मंडा स्कूल है, पिंडी सबरवाल स्कूल है, मंगला का स्कूल है, यहाँ से आपको तकरीबन 2 किलोमीटर अली बेग वाला स्कूल मौजूद है। ये आबद साहब उसके प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद हैं। रायपुर के अंदर हमारा स्कूल मौजूद है और एक बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को हम अच्छी मेयारी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रियला काम रीड फाउंडेशन ने इस कम्युनिटी के मदद के साथ से किया है, यानी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने रीड फाउंडेशन पे एक अहतमाद किया, अपने बच्चे रीड फाउंडेशन को दिए। हमारे पास कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग्स नहीं थी। मुझे याद है कि जब हम इस्लानी में स्कूल का आगाज किया तो वो एक पोल्ट्री फार्म था और उन्होंने पोल्ट्री फार्म बंद कर लिया, तो हमने कहा यहाँ दीवारें बना दें तो हम स्कूल को शुरू करते हैं। यहाँ पे 30 बच्चों के साथ हमने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। आज वहाँ पे हमारे पास 22 किनार रकबा अपना मौजूद है और तकरीबन 50 से 60 कमरों के अपनी हमारी रीड फाउंडेशन की वहाँ पे मौजूद है और एक बड़ी तादाद। और वहाँ पे हमने समाजी के अंदर शुभ हिफ्ज़ भी कायम किया, तकरीबन 80 के करीब समाजी शहर के बच्चे जो हैं फाज करा वहाँ मौजूद है हमारे पास। और शायद ही वहाँ की कोई ऐसी मस्जिद हो जहाँ रमजान के अंदर मुसल्ला सुनाने वाले ईद के तुलबा ना हो। अल्टीमेटली ये बड़ा काम था, जो भी आप अपने बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं। देखें ये जो चिरिंद परिंद हैवान सारी चीजें खाते वो भी हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं और हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करें। और उस खुराक से ज्यादा जो बंदोबस्त जरूरी है हमारे लिए वो ये है कि हम बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। देखें हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो बेहतरीन दीन है वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी मौजूद है। उसने भी ये बताया, देखें जब हम शादी करते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी ने हमें को रहनुमाई फरमाई है कि आप औरत की खूबसूरती पे ना जाएं, बल्कि आप औरत की सीरत पे जाते हैं ताकि उससे आपकी नस्ल को कुर्बान चढ़ाना होता है। जो ये बच्चा पैदा होता है तो उसके हक क्या होते हैं? पहला हक होता है उस बच्चे को अच्छा नाम दिया जाए, दूसरा क्या है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाए। आप और मैं जो अपने बच्चों को बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत है। लेकिन ये जो मेटीरियल बना हुआ है ये तो आर्जी चीजें हैं सारी। 19 अक्टूबर को यहाँ जल्जला आया तो ये जो सड़क थी बाहर देखने वाली थी और खौफनाक मंजर था, कई की रातें लोग जा सो नहीं सकते थे, पता नहीं किस वक्त और जल्जला आएगा, और यहाँ पैदल चलने के रास्ते नहीं थे, बेशुमार मारते जमीन बोस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अच्छे बच्चों की तरबियत करते हैं, आप और मैं आज हैं तो बंदा ये गारंटी नहीं कर सकता कि 5 साल के बाद मैं आऊंगा, अगले 20 साल के बाद जो हम आप बैठे हुए हैं वो मौजूद होंगे। रोजाना की बुनियाद पे हम लोग अलार्म भी सुनते हैं। पिछले दिन तुर्की के अंदर जल्जला आया, बेशुमार लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। रात हमारा एक मीरपुर के अंदर प्रोग्राम था, उसमें हमने बताया कि 1 साल में 6 करोड़ इंसान मरते हैं और हर महीने में देखिए 50 लाख लोग मर रहे हैं 1 महीने में, और हर सेकंड के अंदर 2 इंसान इस दुनिया से जा रहे हैं। कितनी देर मैंने बात आपसे की, 1 सेकंड कितना होता है, इसके अंदर 2 इंसान इस दुनिया से जा रहे हैं। तो आप और मैं हम इसे जा रहे हैं, किसी के वालद साहब चले गए, किसी की वालदा चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की नामालूम बच्ची चली गई, कोई नहर की नजर हो गया, कोई हादसे की नजर हो गया, कोई एक्सीडेंट के अंदर चला गया, तो रोजाना की बुनियाद पे जा रहे हैं। लेकिन ये जिंदगी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। आप और मुझे ये बताया गया है और हमारा ईमान है कि ये जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए दी हुई है, इम्तहान है हमारे, इसके बाद हमारी एक लंबी जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन वो जिंदगी इस जिंदगी की बुनियाद पे होगी। एक माँ और बाप से यकीनन जो पहली बात पूछी थी वो ये पूछी जाएगी, एक तो आपने उनके वसाइल का बंदोबस्त किया, मेहनत शक्त थी, रिस्क के हालात बच्चों को कराया, दूसरा ये कि क्या आपने उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया कि नहीं किया। तो इस हवाले से रीड फाउंडेशन का यही बड़ा ऑब्जेक्टिव था, कोई तजारती अदारा रीड फाउंडेशन नहीं है कि यहाँ से हम बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, कोई चीज नहीं है। यानी जो स्कूल फीसें लेता है वो अपने टीचर्स को पे करता है, बिल्डिंग से किराया देता है,
बिजली के बिल देगा, बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहा होगा, यहाँ से कोई कमा के नहीं लेके जा रहा होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ 200 बच्चे फीस देने वाले पढ़ रहे होंगे तो 30-40 यतीम बच्चे उनके साथ क्लासरूम के अंदर बैठ कर पढ़ रहे होंगे, कुछ नादार गरीब लोग उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये एक रीड फाउंडेशन एक मिशन के साथ कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन क्या दे सकते हैं। जातना की जगह एक खाली थी हमारे पास, अली बेग में हमारे पास स्कूल था, रायपुर के अंदर मौजूद था, भंडा और अफसरपुर के अंदर भी मौजूद था, मंगला के अंदर भी मौजूद है, और यहाँ पे लोगों का बहुत इसरार था इंडिविजुअली कि आप जातना के अंदर भी अच्छा इदारा बनाएं। तो हम भी इसी को सोच के आए थे, यानी हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, यानी अगर एक वाला ने दो बच्चे दिए और दूसरे को 6 बच्चे दे दिए, एक को बच्चे दिए ही नहीं, तो ये तो मुकाबले की बात नहीं है। आपके जिम्मे 2 बच्चे मिले, आपका काम उन 2 बच्चों की तरबियत है। अल्लाह ने आपको बेटियां दी, आपके जिम्मे बेटियों की तरबियत है। तो अगर कोई ये समझे कि हम यहाँ मुकाबला करने के लिए आए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ, बल्कि हम एक माशरे का हिस्सा है और हमने इस सोसाइटी को आगे लेके जाना है, नफरतों को खत्म करना है, हम सारे मिल के एक दूसरे के साथ जुड़ के तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप वेबसाइट पर जाके देखें, जिन लोगों के रिश्तेदार अगर अल्टीमेटली सारे जातना के नहीं हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ उनकी दोस्तियाँ पूरे आजाद जगहों पे होती हैं, जो बच्चियाँ बाहर पढ़ती हैं उनकी भी होती हैं, तो वो आपको पूछ सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट है इस साल का, हर साल जो मीरपुर बोर्ड के पोजीशन आती हैं उसमें आधी से ज्यादा पोजीशन रीड फाउंडेशन की होती हैं। शायद पाकिस्तान का कोई अच्छा अदारा हो जहां पे रीड फाउंडेशन के स्टूडेंट मौजूद ना हो। मैं 97 में जिस क्लास को मैंने पढ़ाया था नर्सिंग क्लास में थी, तो आज वो बड़ी तादाद में जीनियर डॉक्टर्स हैं। तो मैंने अगले दिन उनकी लिस्ट बना रहा था, बैठे हुए सोच रहा था कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें कि वो 35 MBBS डॉक्टर्स की लिस्ट मेरे पास मोबाइल के अंदर मौजूद है, जो मेरे पास क्लास 2 के अंदर मौजूद थे और वो आज डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स बने हुए हैं, बाहर की दुनिया के अंदर गए हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की खास अनायत है। तो ये हम भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे यही का कि यहाँ पे हम वैल्यू बेस्ड अदारे बनाए। हमारा अफजलपुर के अंदर बॉयज का कॉलेज बिल्कुल अलग है, 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10 वहाँ बॉयज उनके अलग कैंपस के अंदर है, उनके प्रिंसिपल अलग है, उनका स्टाफ अलग से है, बच्चियों का बिल्कुल अलग से है। हमारा एक सेटअप मौजूद है 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर हमने वहाँ पे शुरू की हुई है, उनके लिए अलग से एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है, उसको एक अलग प्रिंसिपल रन कर रही है। और यहाँ पे भी हमारा यही है कि हम 5 तक उनको एजुकेशन को लेके जा रहे होते हैं, अगले सालों में इंशाल्लाह आप 3 और 4 को भी बॉयज को अलग कर देंगे। लेकिन ये है कि ऊपर वाली क्लासों के अंदर हम को एजुकेशन को चलाने की इजाज़त किसी जगह भी नहीं दे रहे थे, चाहे आप देहात के अंदर हैं तो हम ये कहते हैं कि स्कूल की क्लास कम कर लें, 2-4 बच्चे अगर चले भी जाए ले उनको ले जाएं, लेकिन आप ये है कि यहाँ पे को एजुकेशन को किसी सूरत भी ना अफोर्ड करें। स्कूलों के अंदर बड़े मसाइल होते हैं, जवान बच्चियां हैं जो 6वीं 7वीं 8वीं की बच्ची है बुलूगत को पहुंची नहीं होती है, बच्चे हैं, मेल टीचर्स हैं, खवातीन असातिज़ा भी बहुत यहाँ करती हैं। तो रीड फाउंडेशन ने पूरा एक नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको रीड फाउंडेशन की तरफ से हदायत मिलती है। हम भी पिछले 3 दिन से यहीं पे मौजूद हैं, मेरा नाम जफर नज़ीर है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ यहाँ पे। इन मीरपुर के 20 इदारों को देखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे साथ मुजम्मल साहब हैं, वो स्कूल के रोजाना के मामला डे टू डे प्रिंसिपल के साथ रब्ता कर रहे होते हैं। ये शायद जराब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा मीरपुर के अंदर ऑफिस है, हेड ऑफिस और जो इस्लामाबाद है हमारा, और हमारे मीरपुर ऑफिस के दौरान ये कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। हमारे एक अमाल भाई हैं जो हमारे इन 18 इदारों के अंदर 405 यतीम बच्चे हैं, उन 405 यतीम बच्चों के मामलात को देख रहे होते हैं कि किस बच्चे को आपने किताबें आज आके लेनी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 405 यतीम बच्चे हैं उनकी किताबें उनके घरों में पहुंच चुकी हैं, वो
पूरे साल की कापियां, कलम, पेंसिल, शीट्स, बैग्स, दो जूते, जूतों के जोड़े, दो उनके यूनिफॉर्म्स और बैग पूरा दे के हमने उनको ग्रुप में पहले भेज दिया है कि बेटा आप जिसने स्कूल आए आप बैग साथ लेके आएंगे। पूरे साल की स्टेशनरी उनको पहले दिन दे देते हैं, आप जाके बाद में खरीद रहे होंगे। तो हेड ऑफिस से हमारी टीम आती है, आगे चेक करती है कि क्या बच्चों को चीज़ें मिली हैं कि नहीं मिली। फिर हमारे जो कुछ यतीम बच्चे बहुत गरीब होते हैं उनको घरों का खर्चा भी मिलता है, जैसे वो माएँ नहीं अफोर्ड कर सकती, तो हम जब यहाँ से किसी यतीम बच्चों को दाखिल करते हैं उसका पूरा डाटा बना के हेड ऑफिस भेजते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसकी इनकम 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है, अपने मकान में रह रही है या ससुराल रह रही है या काम में रह रही है बच्चे। तो फिर बाज़ हालात में 5,000-4,000 उन बच्चों के घरों में भी खर्चा दिया जाता है। तो वो खर्चे जो है इजी पैसा अकाउंट बने हुए हैं, एचबीएल कनेक्ट अकाउंट बने हुए हैं और माओ को हम बुलाते भी नहीं है कि इस काम के लिए आए पैसे, उनके घरों में उनको पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह का एक नेटवर्क हमारे पास मौजूद है, एक बंदा पूरा हमने इसके लिए रखा हुआ है जो सिर्फ इन बच्चों की तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है। और उसके अलावा जो सोसाइटी के अमीर लोग होते हैं हम उनको भी दावत देते हैं कि आप हमारे इस काम में हमारा हिस्सा बटाए, यानी हम ये कहते हैं कि एक यतीम बच्चे की हिफाजत के लिए हमें साल में 30,000 रुपये चाहिए। कि उस 30,000 में हम क्या करते हैं कि उस बच्चे की फीस स्कूल को देते हैं और उसके अलावा उसको जूते लेके देते हैं, कपड़े लेके देते हैं, पूरे साल की किताबें और कापियां और यूनिफॉर्म सारी चीज़ें उसको लेके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो महीने का 2500 रुपया बंदे का बनता है। रात को हमने चैरिटी डिनर वहां पे किया मीरपुर के अंदर और 400 बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया। हमारे अपने टीचर्स ने बालों ने कहा कि 2500 रुपया महीने का कोई मसला नहीं है, आप अपने बच्चों के नाम का सदका दे सकते हैं। जो बेहतर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपने ज़कात सदकात देने की साइज रखते हैं, वो 2500 रुपये के हिसाब से महीने के हिसाब से भी दे सकते हैं, साल का भी दे सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों के लिए साल से लेकर हमारा 40 से 45 करोड़ रुपया खर्चा सिर्फ इन बच्चों की तालीम पे आता है। तो ये हम लोगों से मांग के कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम लोगों के लिए करें। हमारा जो दूसरा बहुत आम कंपोनेंट है, टीचर्स बहुत आम होते हैं। ये नहीं है कि आपने से खाना पूरी करनी है, तो जो टीचर मिला एफ ए रख लिया, जो मैट्रिक मिला मैट्रिक रख लिया, उसको सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता उसको रख लिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। यानी हम बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद उस टीचर का जायजा लेते हैं कि उसको नलका सब्जेक्ट आता भी है कि नहीं आता, और उसको चेक करने के लिए हमारी टीम मौजूद है। हम आके हर 3 महीने के बाद चेक करते हैं कि क्या वो ठीक पढ़ा भी रहा कि नहीं पढ़ा रहा, तो उसका फीडबैक हम पूरा दे रहे होते हैं। और टीचर्स को मैं पहले दिन यही बात बता रहे होते हैं कि आपके जिम्मे ये बच्चे हैं, इनसे हमको धोखा नहीं कर रहे होंगे। जो चीज़ मुझे आती ही नहीं है, अगर फर्ज कर रहे हैं कि मैं ये समझ लूँ कि मैं टेलर नहीं हूँ, कपड़े मैं नहीं सी सकता, लेकिन अगर मैं कौन सी आए मेरे पास दाखिल हूँ और मैं आपको कपड़े सिखाऊँ तो कैसे सीते हैं लोग, नहीं रहे तो पागल है जो कुछ सीने नहीं आते, ये कैसे सिखाएगा। इसलिए पढ़ाने वाले लोगों के लिए हमारे पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, टीचर्स की ट्रेनिंग का एक इंतजाम पूरा मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे टीचर होंगे और वो टीचर ना सोसाइटी से ही लेते हैं और टीचर्स को ये बात पूरी बताते हैं कि जो हमारे टीचर हैं उनकी नस्बत किससे होती है, अल्लाह के नबी से है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे मौलाना बना के भेजा गया, ठीक है जी। और इधर जो कहते हैं अंबिया की मेरास है, जो बंदा भी इल्म हासिल करता है, किताब खोलता है, सीखता है, तो उसके नामा अमाल में कुछ बातें लिखी जाती है। यानी हम अल्टीमेटली यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, क्या बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर सकते हैं। टीचर्स की तरबियत का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, प्रिंसिपल्स को सिखाने का पूरा इंतजाम मौजूद है, इम्तहानात बच्चों के हम सेंट्रल लेते हैं, 9th-10th के नतज हमारे बोर्ड के सामने मौजूद हैं। किसी बंदे से भी पूछ रहे हैं कि रीड फाउंडेशन के मीरपुर बोर्ड के अंदर नतज कैसे हैं, अगर आपको शक हो किसी को तो अफजलपुर स्कूल चला जाओ, आपकी करियर के लिए मीरपुर कॉलेज के अंदर चले जाएं, वहां से आपको लोगों को फीडबैक मिल जाएगा कि रीड फाउंडेशन के नतज कैसे हैं।
प्राइमरी के लिए हमारे पास थोड़ा सा इंतजाम मौजूद है। इस साल जो हमारी किताबें हैं वो अपनी किताबें हैं, अफाक की रीड सीरीज के नाम से अफाक की बुक्स हैं, जो पहले भी यहाँ पे अफाक की बुक्स ही लगी हुई है, लेकिन रीड सीरीज होगी। 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर ए जे के टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से लागू है उसी को लागू किया हुआ है, और कॉलेज के अंदर भी जो है हमारा वो मौजूद है। अल्टीमेटली हमारा गोल इस साल ये है कि हम प्राइमरी के अंदर अच्छे दाखिले करेंगे। तो जो हमारी पहली क्लास नर्सरी क्लास है उसमें हम बेहतरीन अच्छा सा एनवायरमेंट भी बताएंगे। अभी हमें यहाँ पे आए हुए 3 से 4 दिन हुए, हमारा जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ वो कोई 4 दिन पहले हुआ है, जो मैं हफ्ते वाले दिन हुआ है। हफ्ते के बाद हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था, एतवार छुट्टी आ गई, उसमें भी लोगों ने यहाँ पे काम किया। आगे एक सवाल का दिन था, कल जो मसूफ है खास चैरिटी डिनर भी था। इंशाल्लाह हम अगले दिनों में कोशिश ये है कि हम 5 अप्रैल तक अपनी क्लासरूम की जो इन्वायरमेंट उसको अच्छा करें इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल जो है हमारे इस पैगाम को लोगों तक लेके जाए, यानी ये अदारा मेरा साथी नहीं है, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और एक मिशन समझ के जॉब कर रहा हूँ। ये नहीं होगा कि एक बंदे के जाने से अदारा बंद होगा, नहीं हो सकता, ये दुनिया रुकती नहीं है। ठीक है, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, ये निज़ाम आपका चलता रहेगा यहाँ पे। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप अगले दिनों में स्कूल में आए, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, यानी हमारी कुछ हिस्से भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, जरूरियात बहुत है। जैसे आप अगर ये समझेंगे घी जो है वो एक 2400 का मिलता है, दूसरे 3500 का मिलता है, लेना पड़ता है, ज़रूरत है, उसके बगैर ज़िंदगी गुजारा नहीं है। आटा अगर 80 रुपए का है तो पता चलता है कि 2 महीने के बाद 150 रुपए का किलो हो गया है, कोई खाना नहीं छोड़ता, ज़रूरत है हमारी अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर भी जो फीस है वो हमारी ज़रूरत है, ताकि हम जो हमारे ये टीचर्स हैं, आप ये देखें अगर एक माँ को बच्चा संभालने के लिए कोई बंदा मल्ले का दे जाए इतना, मेरा ये बच्चा 6 घंटे संभाल के रखो, 6 घंटे संभाले मेरे बच्चे को, उसको कितने रुपये देने चाहिए एक दिन के लिए, वो 20 रुपये में राजी हो जाएगा इतना? आपको मैं उसको 8 बजे बच्चा दूंगा और 2 बजे आपसे ले दूंगा आपको, ठीक है? आपने मेरे बच्चे के लिए पंखे का इंतजाम नहीं करना है, कमरे का इंतजाम नहीं करना है, और एक अच्छी सी टीचर भी उसके साथ में खड़ी होनी चाहिए, और लाइटें भी जली हुई होनी चाहिए, बिल्डिंग साफ सुथरी भी होनी चाहिए, वाशरूम भी साफ होने चाहिए, और मेरे बच्चे से ऊंचा बोलना भी नहीं है आप, ठीक है जी? तो जनाब हम कहें ठीक है, नहीं हमें जनाब 20 देंगे आपको, 20 रुपये, 20 का मतलब 600 रुपया महीने का, और फिर 600 रुपये टीचर किस तरह का आएगा? 2000 वाला, 2500 वाला, अगर किसी ब्रांड पे जाएंगे, अच्छी दुकान पे जाए ना, बाटा पे जाते हैं या किसी और पे जाते हैं, तो फिर वो लेबल देखते हैं और चीज उठा लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब लोग आगे बार्गेनिंग करते हैं, आप फीस थोड़ी रखते हो, तो बार्गेनिंग करते हैं, 200 रुपया छोड़ो मैं ही दे रहा हूं, ठीक है जी? अल्टीमेटली उसका नुकसान बच्चों को ही होता है। तो इसलिए हम जो स्टार्ट ले रहे हैं 1200 रुपये से ले रहे हैं, कि हमारी जो नर्सरी प्रैप 1-2 है 1200 रुपये, यानी आपको 6 घंटों में 40 रुपये बच्चे के पे करने पड़ेंगे, ठीक है जी? और आगे जो है 2, 3, 4, 5 इनका 1400 होगा, और मिडिल के अंदर जाके 1600, और 9th के अंदर हम 2500 रुपया फीस ले रहे होंगे, क्योंकि 9th के लिए इंशाल्लाह। और हमारा पहला टारगेट ये है कि हम 6, 7, 8, 9 से गर्ल्स को लेंगे पहले पर, कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉयज को उस अंदाज में क्लास मैनेज ना कर पाए, रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे, ये हम अनाउंस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्लास फिजिबल होती है, लेकिन ये नहीं होगा कि 3 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं क्लास में, इस अंदाज में आपको एजुकेशन बिल्कुल किसी जरूरत से नहीं चलाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा कि अगर आपके पास पेरेंट्स आते हैं हम कंपेयर करेंगे, अरे किसी क्लास के अंदर 15 बच्चे हो जाते हैं, उनको हम अलग से एक सेक्शन बनाएंगे और अलग टीचर उनको मुहैया करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि एक ही कमरे के अंदर 6 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पे पहले मरल पर बनाए। ये अली बेग से यहाँ बच्चियां भी आई हुई है हमारे पास, ये 8th क्लास का दिया है,
ये भी देखने के लिए आई हैं स्कूल को, और भी इंशाल्लाह अगर 25 बच्चियां 9th के अंदर दाखिल करें कम से कम, और यही बच्चियां 10th के अंदर जाएंगे, और इसको अल्टीमेटली हम 1-1.5 साल के बाद कॉलेज के अंदर भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज, मेयारी कॉलेज, बा मकसद, जहाँ अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त होता है, यानी वालदैन अपने बच्चों के बारे में आके यहाँ डिस्कस किया करेंगे, यहाँ मेरे बच्चे में ये मसला, मेरा बच्चा ये काम ठीक कर रहा है, यानी हमारा जो दो बातों पे बहुत फोकस होता है स्कूलों के अंदर, हमने कहा हुआ है एक सफाई पे कि जनाब हमारे स्कूल में बच्चा बहुत साफ सुथरा होकर आना चाहिए, उस पर हम माओं को बहुत बारा कहते हैं, बच्चों की तबीयत करते हैं कि बेटा दांत बाकायदगी से साफ करके आओ, सुबह जब बच्चा घर से निकले तो आप जरूर उसको चेक करें कि दांत साफ किए हुए कि नहीं किए हुए, अगर दांत से साफ नहीं किए हुए आप समझें कि ये 1 फुट के फासले में दूसरे बच्चे के साथ बैठा हुआ, ठीक है, जब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, देखिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मुझे लोगों की मुशक्कत का डर ना हो तो ये मिसवाक फर्ज करा देगा, जैसे नमाज फर्ज है तो ये मिसवाक की फर्ज होती है, और लोग दांत साफ करते होते हैं, जितनी बीमारियां फैलती हैं वो इस दांत साफ ना करने की वजह से फैलती है, ठीक है जी। तो हमारे बच्चे साफ सुथरे हों, यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हों, उनके ड्रेस धुले हुए हों, जिसे कहते हैं ना अल्लाह ताला ने इंसान की आसन की तकलीफ कि मैंने इंसान को बेहतरीन हालत के अंदर बनाया है, इस कायनात की जो सबसे अच्छी अल्लाह की तकलीफ है वो इंसान है, आप ये सूरज ये चांद ये तारे ये सारी चीज़ें इंसान की खिदमत के लिए लगी हुई है, इसलिए मुझे और आपको ये कोई हक नहीं है कि आप बच्चों की जो है उनको बगाड़ें, तो आप कोशिश करेंगे बच्चों को साफ सुथरा करके भेजें। और जो दूसरी बहुत आम बात है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो है वो RQC रीड कुरान कोर्स पहली के अंदर चलता है, और मिडिल के अंदर हम अंडरस्टैंड कुरान कोर्स ला रहे हैं, पहले ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं था, वो लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन रीड फाउंडेशन पिछले से 7 साल से अपने मदारों में ये कुरान की तालीम दे रही है, और 6, 7, 8, 9, 10 की जो बच्चे हैं उनके लिए नमाज का एहतमाम स्कूल की सतह पर किया जाए कि कम से कम एक नमाज उस स्कूल के अंदर जरूर पढ़े प्रैक्टिकली, और हर 3 माह के बाद वालिदैन से भी फिल्टर किया जाए क्या आपका बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, क्या हमारे बच्चे सच बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या हमारी जिंदगी किसी मकसद के साथ गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। तो ये हमारा पैगाम था रीड फाउंडेशन के हवाले से, एक आपको पंपलेट भी दिया जाएगा, इसको जाते हुए साथ लेके जाएं, इसके हवाले से हमारी पूरी जो पिछले 28 साल के काम हैं वो यहाँ बयान किए गए हैं, तकरीबन 97 प्राइमरी इदारे हमारे मौजूद हैं, 147 जो है मिडिल स्कूल हमारे पास मौजूद है, 47 इंटर कॉलेज है, और 109 हाई स्कूल हमारे पास मौजूद है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने तावन किया आप इसे इंशाल्लाह बहुत प्यारी बिल्डिंग है, हमारे यहाँ भाई यूनुस साहब हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया हमारे साथ, बिल्डिंग उन्होंने दी, हमारा एग्रीमेंट हो गया हमारे साथ का, मुदस्सर साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया कि मैं गुजराती मुसलफियात है शायद इदारे को टाइम नहीं दे सकता, तो बजाय बंद करने की मेरी ये ख्वाहिश है कि आप रीड फाउंडेशन यहाँ पे आए, तो हमारी भी पूरी कोशिश है, पूरा प्रोग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है कि हम किस अंदाज में रीड फाउंडेशन को चला रहे होते हैं, रीड फाउंडेशन के ऊपर सबसे डायरेक्टर्स हैं 9 लोग जो रीड से कोई पैसा नहीं लेते, वॉलंटियर काम करते हैं, और उसके नीचे हमारी एक मैनेजमेंट है, हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद के अंदर है, रीजनल ऑफिस है, प्रिंसिपल्स है, ये सारा एक नेटवर्क है, और इंशाल्लाह फोकस एक ही है, सारी जितनी भी कोशिशें हैं सिर्फ एक ही फोकस है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर सकें, ये बच्चे आपके हैं, ये बच्चे हमारे हैं, ये माशरे के बच्चे हैं, और इन अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त हम सब ने मिलकर करना है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को कामयाब करे, हमारे दस्तोबाजू बने, हमारे इस पैगाम को जिन जगहों से आप आए हैं उन जगहों तक पहुँचाएँ, जज़ाकअल्लाह खैर, हम लोग इतनी अगला फिला नहीं, तो जिसका कोई सवाल होगा कोई बात होगी तो आप आगे दफ्तर मिल सकते हैं, नजीब भाई यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, नजीब भाई हैं नीचे वो उनको हमने यहाँ प्रिंसिपल लगाया है, ये यहाँ कलरी से हैं, पहले ये अफसरपुर बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे,
बीएससी में लिखी है, डबल मैथ फिजिक्स के साथ एमए साइंस स्टडीज है और इनकी मिसेज के साथ होंगी क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स कैंपस बना रहे हैं, वो भी डबल मैथ फिजिक्स के साथ में बीएससी की हुई है और वो भी मास्टर्स है। तो ये जो प्रिंसिपल हमने लगाए हैं ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये नर्सरी से लेके एफएससी तक रीड के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। और रीड के बाद एफएससी के बाद बीएससी की और बीएससी के बाद दोबारा की रीड फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया, यानी पूरे सिस्टम को रीड फाउंडेशन को ये समझते भी है, जानते भी है। इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करेंगे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, दस्ते साहब का भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैगाम को जरूर समझेंगे भी और इसको आगे लोगों तक भी सुनाएंगे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को जिंदगी दे, जिंदगी में कामयाब करे और आपकी परेशानियाँ कम करें। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जफर नजीर साहब, रीजनल मैनेजर रीड फाउंडेशन टीचर मीटर। प्रोग्राम के दरमियान में हमारे साथ में ज्वाइन किया है चौधरी वाजिद साहब, जे एस बैंक के मैनेजर हैं और सदर हैं सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, और इनके साथ आए हुए हमारे बाकी दोस्त राजा काशिफ साहब हैं और उनके साथ मास्टर जुल्फार साहब हैं और रजा और रहमान साहब हैं। आप सभी अहबाब का बहुत शुक्रिया। ये सोशल वर्कर हैं सारे और इंशाल्लाह हमारे दस तो बाजू बनेंगे। इनको इस पिंडाल में हम लोग का खुश आमदीद कहता हूँ जी। जो किदार बाद से नहीं होता है।
लाइव फाइव तलबा तलबा बच्चों के वालदैन हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस भी ये मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि आपने बच्चों को छोटी सी बात करूंगा, इंशाल्लाह सारी जिंदगी आपके काम आए। ये आपने बच्चों को ये इंतजामिया थोड़ा बच्चों को बिठा दूंगा, छोटी सी बात करूंगा आपके काम आएगी और इंशाल्लाह ऐसा काम आएगी कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मैं हमेशा किसी भी तकरीब में तकरीब करने से पहले अगर कोई उस तकरीब में मेरे बहुत साझा कराम हूँ तो उनकी इजाजत के बगैर मैं नहीं बोलता। मैं अपने साझा कराम से इजाजत लेकर तो क्या मैंने देखा मेरे साथ ये मेरे जातला से न्यू सेब से और ये जो सांग वगैरह जातला के साझा कराम थे जिससे मैंने तालीम तबीयत हासिल की है, मैंने देखा यहाँ पर नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने उन साजा को आज की तकरीब का अपने जो चंद अल्फाज है इनका सवाल अपने उन साजा को जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए अल्लाह के रजा के लिए उनके उनके लिए वक्फ करता हूँ जिनसे मैंने सीखा है और जिनको मैं सीखने के बाद आज मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना। मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया की कोई भी नियामत बच्चों से ज्यादा अजीज नहीं होती, ना कोई कोठी ना बंगला ना कार ना दौलत ना भाई ना बहन, सबसे ज्यादा जो कीमती मिता होती है वो बच्चों की होती है। और जिस माँ को अपने बच्चे की तालीम तरबियत की फिक्र नहीं है वो माँ गाफिल है। उस माँ ने अगर 5,000 का जोड़ा सिलाकर लगवा लिया है शादी में अपने अपने आप को नमाया करने के लिए लेकिन बच्चे पर खर्च नहीं कर सकती है तो मैं ये कहता हूं कि वो माँ गाफिल है, इस दुनिया के इस चैलेंजों से गाफिल है। उसको पता नहीं है कि मेरे बच्चे ने आगे जाकर कितनी मुश्किल से मुकाबला करके आगे बढ़ गया। अगर किसी माँ को अपने बच्चे की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं है तो वो माँ गाफिल है। और इसी तरह अगर कोई बाप जो सुबह से लेकर रात गए तक कोई उनके बहन की तरह बच्चों के लिए मेहनत करता है लेकिन बच्चे को अच्छे अदारे में नहीं पढ़ाता है, 200-300 रुपए के सिगरेट पी जाता है सिगरेट फूक जाता है लेकिन बच्चे को अच्छे अदारे में नहीं पढ़ाता, तो मैं कहता हूँ कि उस बाप की कमर टेढ़ी हो जाएगी और उस बात की औलाद की कमर भी टेढ़ी हो जाएगी जब उसके बच्चे के ऊपर दुनिया का बोझ पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूं मेरे पास एक ऐसी बीवी है जो किसी के जेरे पर काम करती है लोगों के पत्थर मारती है,
उसने मेरे अदारे से बच्चे पढ़ाए, उसने कहा कि मेरी बच्ची जान से पढ़ कर गई है, तो आप मैं किस अदारे का लेकर क्यों? तो मैंने कहा आपका क्या भी है? उसने कहा कि मैं चाहती हूँ, मैं अगर अनपढ़ थी और मैं आज लोगों के बर्तन मांग रही हूँ तो खुदा ना करे मेरी बच्ची को कहना ऐसा वाक्य पेश आ गया, मेरी बच्ची किसी के घर जाकर बर्तन ना मांगे। तो मैंने कहा कि आप कहाँ जाएंगे? उसने कहा मैं उस अदारे में जाऊंगी जिस अदारे का 3 साल का रिजल्ट भी छूट जाता था, कि 3 साल का रिजल्ट बताओ आपके स्कूल का किसी बोर्ड में पोजीशन आई है? आपके स्कूल की जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके टीचर की जो यहाँ पर मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? और उसके बाद सबसे बड़ा ये बात देखूंगी कि उस बच्चे जिस बच्चे को मैं अपने स्कूल में किसी स्कूल में दाखिल करा रही हूँ कि वो बच्चा उस स्कूल में दुनिया के चैलेंज का मुकाबला कर सकेगा, तैयार हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। तो मैंने कहा कि फिर आपको आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आपके लिए पहाड़ भी जो है वो हल के बराबर है। अगर आपका ये ख्याल है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची किसी के घर पर काम ना करे और मैं जाकर पूछूं भी नहीं, उस अदारे से पूछूं कि आपने अगर बच्चे पढ़ाए हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, तो एक साल आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखो खर्चा कम करो, इस वक्त आग लगी हुई है महंगाई, खर्चा कम करो। मैं खुद मेरा तर्क यह है कि मैं खुद किसी माँ की लेती की वजह से जब मैं 6th क्लास में लगा मेरे पास 3 रुपये दाखिले के लिए थे और मुझे मेरी एक माँ ने 5 रुपये दिए, मैं 6th क्लास में दाखिल हुआ। वो माँ मेरी रिश्तेदार नहीं थी, मेरी माँ की सहेली थी, मेरी माँ की बहन बनी हुई थी। तो उस वजह से मैं आज BA करके मैं पुलिस में थानेदार रिटायर हुआ हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर इतना बड़ा कर्म है और वो सारा कर्म वो उस मेरी माँ की देखी गया जिसने मुझे 5 रुपये दिए और मैं दाखिल होकर मेरे पास दाखिले के लिए पैसे दिए। वो बहादुर जी की मकबूजा कश्मीर से आई थी। बात क्या कि एक भैया था, एक भैया था जैसे अगर मुझे BA से दिया जाता, अगर मुझे मेरे सारे मेरी माँ ने लेकर दी है और मैंने हमेशा उन माँ को जो चाह भी जाता हूँ बात करता हूँ, उस माँ को जो दुनिया से चली गई उनको याद करता हूँ।